नमस्कार दोस्तों, आज मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 के बारे में। दोस्तों जो है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S23 जिसमें दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है, तो इसी के बारे में दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S23 जो कि दोस्तों काफ़ी छोटा डिवाइस है, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 के साथ जितना, जो दोस्तों काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इसे काफ़ी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर, देख सकते हो आप कि ये है दोस्तों, इसमें जो अपडेट आया है उसी को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस अपडेट को अभी डाउनलोड नहीं किया है, मैंने सोचा पहले वीडियो बनाऊँ उसके बाद आपको इस अपडेट के बारे में, इसमें हमें क्या मिलता है वो बताऊँ। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो जनवरी मंथ का मिल जाएगा, और जो छोटे मोटे बक्स होते हैं वो दोस्तों और अपडेट की तरह वो फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो डिवाइस स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट हो गई है और बग फिक्स कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में जब अपडेट आया है तो फटाफट से इसे कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब भी कोई और अपडेट आएगा इस डिवाइस में तो वो आपको अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पहले आपको यही करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सैमसंग के डिवाइस होते हैं इनमें जितनी अपडेट आते हैं वो आपके पेंडिंग में पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है वीवो और वन प्लस की तरह कि आपने कोई अपडेट छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो वो आपके डिवाइस से हट जाएगा और आप नया अपडेट कर सकते हो। आपको फिर भी यही करना पड़ेगा, जब कोई और अपडेट आएगा तो उसके बाद उसका नंबर आएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके फ़ोन में से अपडेट आ चुका है तो फटाफट से इसको कर लो, और आप चेक करके देखो कि इस अपडेट को करने से क्या आपके फ़ोन की बैटरी है वो थोड़ा अच्छी हुई है पहले के मुताबिक, या उतनी ही चल रही है जितनी चलती है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, जिससे दोस्तों आप अपने फ़ोन को एक अच्छा स्मूथ बना सको। तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।